हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब, बाबा श्री चांद साहिब गुरुद्वारा, जिसको टाली साहिब भी बोलते हैं गुरुद्वारा। तो वहाँ की क्या हिस्ट्री है, क्या वहाँ का है, हम सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। अभी हम ये लेन है ग्रीन फील्ड की, जिसको स्टाई फीट भी बोलते हैं। ये मरीठा रोड पे है अमृतसर में। तो यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पे है गुरुद्वारा साहिब, तो अभी वहाँ जा रहे हैं हम माथा वगैरह टेकने। काफ़ी हिस्टोरिकल है, तो कईयों को तो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आज हम इसीलिए कवर करेंगे ताकि सबको पता चले। तो यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही है, और आगे काली माता जी का मंदिर भी है, जिसको हनुमान मंदिर बोलते हैं हम। यहाँ से हम लेफ्ट लेके बस आगे गुरुद्वारा ही है। तो ये फ्रेंड्स गुरुद्वारा की बैक साइड है। ये वॉल जो देख रहे हो सारी यहाँ से लेके वहाँ तक, ये गुरुद्वारा साहिब की वॉल है। तो भी हम आगे से एंटर करेंगे इसके मेन एंट्रेंस से। फाइनली हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा साहिब। यहाँ हम करेंगे अपनी गाड़ी पार्क। सत श्री अकाल बाबा जी, क्या हाल चाल? बस जी वधिया, तुसीं सुनाओ। गाड़ी हमने कर दी है पार्क। तो बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो ये गुरुद्वारा साहिब बाबा श्री चंद और टाली साहिब गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है।
तो यहाँ पे जो गुरु नानक देव जी के पुत्र थे श्री चंद जी, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी इसी गुरुद्वारा में। तो यहाँ पे यहाँ से ही जो बाबा श्री चंद थे वो गुरु रामदास जी से मिलने यहाँ से ही गए थे। तो काफ़ी हिस्टोरिकल है ये गुरुद्वारा। तो इसको जो बनाने का निर्माण किया था वो था 1995 में इसका जो भी आरंभ कर दिया था बनाना गुरुद्वारा साहिब। तो अभी आपको अंदर से दिखाते हैं अंदर का व्यू, तो वीडियो को पूरा देखना। तो अंदर बहुत ही प्यारा कीर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ही डेली कीर्तन होता है, तो हमें बहुत आनंद आया कीर्तन सुनकर। तो अभी जो मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ही बाबा श्री चंद जी ने तपस्या की थी, तो वो स्थान यही है, आप दर्शन कर सकते हो। तो एक और ख़ास बात यहाँ की ये है, जो हमारी पाँचवीं पातशाही हैं श्री गुरु अर्जन देव जी, वो बाबा श्री चंद जी के दर्शन करने भी यहाँ पर ही आए थे। तो आप ये जगह देख सकते हो, तो यहाँ पे ही श्री गुरु अर्जन देव जी भी यहाँ पे आए थे ये गुरुद्वारा साहिब में। और जो राइट साइड पे आप दो ड्रम देख रहे हो अभी दाल और आटे के, यहाँ पे जो भी संगतें आती हैं अपनी श्रद्धा से मनोभावना से अपनी जो दाल और आटा यहाँ पे डालते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि ये गुरुद्वारा साहिब को टाली साहिब गुरुद्वारा भी जाना जाता है। तो वो क्यों जाना जाता है, वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो श्री चंद जी थे उन्होंने जब दातुन की थी और वही दातुन उन्होंने मिट्टी में ऐसे ही गाड़ दी थी, जो कि एक ट्री का रूप उसने धारण कर लिया था, एक वो बड़ा ट्री बन गया जिसको हम पंजाबी में टाली बोलते हैं। तो ये वही टाली है, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये वही स्थान है जहाँ पर बैठ के स्थान बाबा श्री चंद जी ने तपस्या भी की थी, वो यही टाली है वो। तो इसलिए इस गुरुद्वारा का नाम टाली साहिब गुरुद्वारा भी जाना जाता है। तो ये प्लेस काफ़ी पीसफुल है, आप आओगे जब भी अमृतसर में तो ज़रूर ये गुरुद्वारा साहिब में ज़रूर आना। तो काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी यहाँ पे मन को शांति मिलती है आकर। और अभी हम आ गए हैं गुरुद्वारा साहिब के फ्रंट साइड पे, और यहाँ पे जो स्केड्यूल होता है संगरांद और मस्या का यहाँ पे बोर्ड पे लगा देते हैं। तो ये हमारा थॉट फॉर द डे जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पे डेली यहाँ पे थॉट फॉर द डे अपडेट होता है। तो काफ़ी पीसफुल है गुरुद्वारा और हिस्टोरिकल भी है।
यह गुरुद्वारा साहिब का है निशान साहिब, और आप देख सकते हो यह है गुरुद्वारा साहिब का निशान साहिब जो कि गुरुद्वारे के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, श्री गुरु अर्जन देव जी भी यहाँ पे आए थे बाबा श्री चंद जी के दर्शन करने, और यहाँ की जो संगतें थी वो काफ़ी प्रसन्न हुई बाबा जी से मिलकर, और बाबा जी भी काफ़ी प्रसन्न हुए संगतों के प्रति मनोभावना और उनके प्रति प्यार देखकर। और संगतों ने ये कहा बाबा जी से कि हमें कोई निशानी छोड़ के जाएं यहाँ पर। और बाबा जी ने यहाँ पर फिर 8 कोनों वाला एक कुआं खुदवाया जिसको हम पंजाबी में 8 नुकरा खूह भी कहते हैं, और उन्होंने ये वरदान दिया कि जो भी ये कुएं के पानी से नहाएगा उसको 18 का रोग और सोकड़े का जो रोग होता है वो ठीक होगा। तो ये वरदान बाबा जी ने यहाँ पर दिया, और वो कुआं आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वीडियो में, वो यही कुआं है, आप चेक कर सकते हो। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ गुरुद्वारा साहिब के लंगर हॉल की तरफ। जो सामने जो आप शेड देख रहे हो यही है जो लंगर हॉल की ये शेड है, यही ये लंगर हॉल है। तो यही लंगर हॉल से डेली सेवा जाती है गुरु नानक हॉस्पिटल पे, और वहाँ यहाँ से लंगर बनकर जाता है वहाँ के मरीजों के लिए। और यह गाड़ी जो है डेली जो सेवा के लिए गुरु नानक हॉस्पिटल जो लंगर के लिए जाती है। तो एक और इस गुरुद्वारा साहिब की खास बात यह है, जो परिवार हैं, जो ज़रूरतमंद परिवार है उनकी जो बेटियां होती हैं उनकी शादी भी यहाँ पे की जाती है। और आए साल यहाँ पे मेला होता है जिसमें शादी का सारा प्रबंध किया जाता है, खाने से लेकर हर एक पकवान यहाँ पे होते हैं। तो यह ऐसा गुरुद्वारा है जो कि एक दिल से सुकून देता है। यहाँ पे सेवा करने भी बहुत दूर से आते हैं लड़के, और ये छोटा सा बच्चा भी अभी सेवा कर रहा है। और आप भी ज़रूर आइएगा, यहाँ से सेवा कीजिएगा, और सच्चे दिल से जो भी मांगोगे वो ज़रूर पूरा होगा। और जो भी है मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया है और जो बताया मैंने आपको, वो आप भी विज़िट कीजिएगा इसी गुरुद्वारा साहिब में। ये था श्री चंद गुरुद्वारा, इसको टाली साहब गुरुद्वारा भी बोलते हैं। तो वीडियो में मैंने आपको पूरा कवर कर दिया, पूरी हिस्ट्री का आपको मैंने बता दिया, तो प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करें। तो मेन चीज़ यहाँ पे है कि सच्चे दिल से जो भी यहाँ से मांगा जाए वो ज़रूर पूरा होता है। तो मैंने ये ट्राई भी किया है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ भी, अप्लाई भी किया है, डेट्स वाई कि मैं डेली गुरुद्वारा साहिब जाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।